कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से, और टाइम हो चुका है शायद पूरे 11 बज गए हैं, आप लोग भी देख सकते हो। और अभी मैं और ध्रुव लेके आ रहे हैं दूध। तो चलिए ध्रुव, दूध देख, ध्रुव को इतनी ज़्यादा जरूरी है, कभी ये लेके आता है तो कभी ये लेके आता है। किसमें? इसमें लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लेके आ रहे हैं दूध डेयरी से, और देखो पैसे कैसे कैसे डाल रखे इसने। तो चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी मॉर्निंग टाइम का थोड़ा सा मेरा काम हो गया है, बाकी करते हैं आके शुरू। और जो वगैरह भी हो गई है, नहा भी ले हूँ, अभी दूध को नहलाना है, दूध लेके आते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। यहाँ पर मैं लेके आई हूँ कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ एकदम बिल्कुल फ्रेश है, और इनको मैं जल्दी जल्दी से पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर इनको थोड़ी देर में बाहर रख देती हूँ और ये ड्राई हो जाएगी। और सब्जियों के रेट आजकल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सस्ती आती है आजकल सब्जियाँ, बिल्कुल अच्छे रेट चल रहे हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए हैं पास्ता। तो पास्ता में मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज और टमाटर डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर अभी आज हम ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं पास्ता। तो ऐसे ही बदल बदल के खाना चाहिए ब्रेकफास्ट, ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी के मैं कोफ्ते बनाने वाली थी, लेकिन मैं फिर ऐसे सोचा सब्ज़ी ही बना लेती हूँ लौकी की। हेलो एवरीवन, और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो अभी मुझे करनी है सब्जी की तैयारी। और थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पास्ता। तो पास्ता ध्रुव को वैसे थोड़ा बहुत मैं खिला देती हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं देती ध्रुव को। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, अभी मुझे करनी है लंच की तैयारी। और टाइम हो चुका है 12:15। तो अभी ध्रुव को मैंने नहीं नहलाया, पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ और आटा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं ध्रुव को नहलाऊँगी। 12:30 तक मैं ये काम दोनों कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद ध्रुव एक घंटा मुझे नहीं छोड़ने वाला, वो दूध पीता है। और उसको सुलाने के बाद फिर से मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। और अभी मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है, तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। और ये यहाँ पर मैंने लिए हैं हरी मिर्च और लहसुन, तो इनको दोनों को मैं कूट के ही फिर डालूँगी। और यहाँ पर एक लिया है मैंने टमाटर, और एक मीडियम साइज का मैं प्याज भी काट लूँगी। और मैंने यहाँ पे कर लिया है आज जूड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए फिर, और आप लोगों प्लीज़ अगर वीडियो को देखते हो तो एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता। और हम फिर हम बनाते हैं सब्जी फटाफट से। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं गैस को ऑन, और फटाफट से बना लेते हैं लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी सभी को आती है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे दिखा देती हूँ नॉर्मली। तो सबसे पहले मैंने डाल लिया है रिफाइंड, और उसमें डाली है अदरक और सॉरी लहसुन और हरी मिर्ची। तो आज मैंने अदरक नहीं ऐड किया इसमें। तो अभी इसको एक मिनट के लिए पका लेंगे, और उसके बाद फिर मैं प्याज इसके अंदर डाल देती हूँ। प्याज को भी हल्का हल्का भून लेंगे, और इसके अंदर प्याज को भूनने के बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। तो फटाफट से चलिए बना लेते हैं सब्जी को। और एक ही टमाटर लिया था मैंने, तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सब्ज़ी भी इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, पिछली बार जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो बड़े चाव से बनाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी थी। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी आज वाली सब्ज़ी। और 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मसाला, तो वही नॉर्मली मसाले, धनिया, लाल मिर्ची, सॉरी लाल मिर्च मैं ऐड नहीं करने वाली, हल्दी, धनिया, नमक। और आज गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं गरम मसाला भी नहीं ऐड करने वाली। तो बस यही मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फटाफट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फिर जो लौकी। तो लौकी के मैंने नॉर्मल पीस लिए हैं छोटे छोटे, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लौकी। तो मैं इसको फटाफट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लौकी को। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ी सी लौकी रखी हुई थी, और वो भी इसके अंदर डाल ली है, और सब्जी हमारी अच्छे से बन गई है। तो बस
ज़्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सब्जी थी लौकी की। तो अब ढककर पका लेंगे। सब्जी मैंने बना ली है और अभी मैं ध्रुव को नहला देती हूँ। अभी तक मैंने आटा नहीं लगाया है और आटा मैं थोड़ा सा रुक के लगा लेती हूँ। पहले थोड़ी सी गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट करते बीच में, और ध्रुव को नहला देती हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी टाइम अभी हमें ज़्यादा मतलब भूख नहीं लगेगी क्योंकि पास्ता वगैरह खा लिया था ब्रेकफास्ट में। तो पहले मैं ध्रुव को नहला देती हूँ, उसको सुलाती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं रोटी। तो चलिए फिर ध्रुव को नहलाती हूँ मैं और हम मिलते हैं थोड़ी सी बार में। तब तक के लिए बाय। यहाँ पर आप देख सकते हो ध्रुव नहाकर बाबू बन गया है मेरा बच्चा, और ये टीथर मुँह में लेके खेल रहा है। जो जाड़ निकल रही है ना उससे उसको आराम मिलता है। दिखाना बेटा, ऊपर दिखाओ। और अभी इसको मैंने नहला दिया, थोड़ी देर खेल रहा है, चूचू टीवी देख रहा है। ध्रुव हाय बोल दो छुपी को। ध्रुव आपके बाल कहाँ हैं? बाल। और अभी मुझे थोड़ा सा निकालना है झाड़ू, क्योंकि अभी खाना बनाना था, सब्जी वगैरह बनाई थी, थोड़े हल्के फुल्के छिलके वगैरह गिर गए थे। ध्रुव आपके हेलो, कुछ तो बोलो आप पे, आजकल तो कुछ भी नहीं बोलते आप। पापा कहाँ गए हैं? पापा यहाँ पर आप देख सकते हो ध्रुव सो गया है। मैंने इसको दूध पिलाकर सुला दिया है। अब कम से कम 2 घंटे तक ये सोता रहेगा और यहाँ पर ये सोएगा, नींद पूरी करेगा। तब तक मैं अपना पूरा काम ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान मंगवाया था, और सारा सामान मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे। और एक ये बड़ा लस्सी का पैकेट, और यहाँ पर लस्सी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली लस्सी। और एक थोड़ा बहुत सामान ही लेके आए हैं, जब भी ख़त्म हो जाता है तो तभी हम मंगवा लेते हैं। पहले पूरा महीने का मतलब इकट्ठी शॉपिंग करते थे, लेकिन आजकल बस ऐसे ही होता है, जब भी ख़त्म हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके मंगवा लेते हैं। जैसे चाय पत्ती लेके आए हैं, कुछ साबुन है, एक ही ध्रुव की लेके आए हैं जॉनसन बेबी वाली, और रिफाइंड है, और यहाँ पे एक सरफ है, ये जीरा है। बस यही थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, जितना मेरा ख़त्म हो गया था वो मैंने इनको फ़ोन करके बता दिया था, मैसेज कर दिया था सारा सामान भाई ये लेके आना, तो ये बाहर गए हुए थे। तो थोड़ा बहुत सामान बस ये लेके आए हैं। और आप देख सकते हो इसमें छोटू सा ध्रुव का एक ब्रश है, तो ये वाला ब्रश आज पहली बार ही मतलब ध्रुव के लिए मंगवाया है, और देखते हैं ध्रुव कैसे करेगा इससे। छोटू सा ब्रश कितना प्यारा लग रहा है ध्रुव का। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जी बन गई है, और मैं फटाफट से बना लूँगी चपाती। तो चलिए फिर हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं चपाती। और अभी जब सब अच्छे से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग बाहर जाएंगे, और आप लोगों को भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और अभी तो सब कुछ अच्छे से सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, तो आप लोगों को थोड़े बहुत जैसे डेली आप लोगों को जैसे एक जैसे भी लोग लगते होंगे, पर क्या करें अभी और तो कुछ है नहीं न्यू, तो बस थोड़ा बहुत किचन का ही आपको देखने को मिलेगा। और जब भी बाहर जाएंगे तो अच्छे अच्छे ही व्लॉग आएंगे, तब आप लोग ज़्यादा मतलब अच्छे व्लॉग देखना। यहाँ पर खाना मेरा बन गया है, और मैं थोड़ी बहुत सफाई है वो भी कर ली है, और अभी मुझे बनानी है हरी मिर्च छौंकनी है, और हरी मिर्च मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं धनिया और थोड़ा सा हल्दी नमक डालकर हरी मिर्ची बना रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने थोड़ा सा जीरा भून लिया था, तो लस्सी के अंदर ऐड करना है जो लस्सी लेके आए थे। और यहाँ पर दूसरी साइड फिर मैं उसी फ्राई पैन में हरी मिर्चों को जो मसाला उसके डाल के अंदर मसाला डाल के रख लिया है उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और दूसरी साइड सारी लस्सी है वो पूरा पैकेट मैंने जग के अंदर निकाल लिया है, और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जीरा जो भून के मैंने पीस लिया है। और जब भी जीरा डाल के लस्सी पीते हैं तो लस्सी का टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली है जो मैं उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और हरी मिर्ची ऐसे कच्ची खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसको भी जिसे चश्मा वगैरह लगी होती है उनको तो हरी मिर्ची खानी ही चाहिए, क्योंकि आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हरी मिर्ची। तो मैं वैसे कम खाती थी शादी से पहले, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी तो मतलब काफ़ी पसंद करते हैं खाने के टाइम, जब भी खाते हैं तो उनको 1-2 हरी मिर्ची ऐसे रखते ही हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई है अब। और अभी मैं बस अपना लंच तैयार कर लिया है और फटाफट से हम कर लेते हैं लंच, क्योंकि अभी ध्रुव तो थोड़ी देर पहले खाना खुना खा के सो गया था, मैंने दूध पिला के सुला दिया था, उसको मैं बाद में खाना खिलाऊंगी। तो हम दोनों ही करेंगे लंच पहले, और ध्रुव जब तक उठेगा तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। जैसे मुझे एक बार तो मैं नहा ली थी, लेकिन मैं एक बार फिर से नहाऊँगी और थोड़ा सा पोछा लगाना है और बर्तन साफ़ करने हैं, उसके बाद फिर ध्रुव उठ जाएगा मुझे पता है, और फिर उसको संभालना है। और मेरे हस्बैंड अपना कर रहे थे काम, तो शायद अभी थोड़ा फ्री हो गए और वो लगे हुए हैं फ़ोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरा बड़ा गिलास है वो लस्सी का भर लिया है, और ये पूरा बड़ा गिलास भी मुझे पता है हम दोनों के लिए कम पड़ेगा, और मुझे और एक्स्ट्रा लस्सी लेनी पड़ेगी, और लेने ही पड़ी, क्योंकि मैं बता देती हूँ मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो लस्सी और भी हम लोगों ने ली थी खाने के बाद, और यहाँ पे 2-3 हरी मिर्ची पक गई है तो मैं उनको निकाल लेती हूँ। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं फटाफट से लंच, और आप लोग भी कर लीजिए। और किस किस को लस्सी पीना पसंद है और जीरा डाल के, तो आप लोग मुझे कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए फिर कर लेते हैं लंच और हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ध्रुव भी उठ गया है अभी, और हम लोगों ने खाना खा लिया है और मेरा सारा काम हो गया है, और मैंने दोबारा पोछा भी लगा लिया और किचन भी क्लीन कर लिया एकदम अच्छे से, और सारा सामान भी सेट कर लिया जो मेरे हस्बैंड मार्केट से लेके आए थे। और अभी मुझे सोना था, लेकिन मेरे को लगता है अभी मुझे ध्रुव नहीं सोने देगा, क्योंकि अभी ये काफ़ी देर तक सो लिया है। हाँ, और अभी ये पी रहा है लस्सी। क्या अब क्या पी रहे हो, अब क्या पी रहे थे ये क्या? ध्रुव क्या कर रहे हो आप? ध्रुव चलो एक चीज बताओ, ये क्या है ध्रुव? और आज ध्रुव का टेस्ट लेके देखते हैं, ये ध्रुव के पापा आज इसका ब्रश लेके आए हैं, तो देखते हैं इसको कुछ पता है क्या। ध्रुव ये क्या है बेटा? ध्रुव ये देखो, और इसका ये पहली बार लेके आए हैं ब्रश। ध्रुव लैपटॉप छोड़ दो बेटा, ये क्या है, क्या करते हैं इसका? देखो देखो इसको पता है, देखना एक बार कैसे करते हैं ध्रुव। वेरी गुड, कैसे करते हैं ब्रश करके दिखाना ध्रुव। ध्रुव ब्रश करके दिखाना कैसे करते हैं आप, ब्रश करना, ब्रश करो कैसे करते हैं। और ध्रुव का टेस्ट हो गया, ध्रुव को पता है ये ब्रश है। चलो मम्मा को दे दो, अब करो फिर आप। आज ध्रुव ने एक नया काम सीखा है ना, है ना ध्रुव? आज से आपने एक न्यू काम की शुरुआत कर ली है, है ना ध्रुव? लाओ फिर मम्मी को दे दो। क्यों, ये तो अपनी टंग भी साफ कर रहा है। ठू ऐसे करो, बाकी कल करना, अभी
ध्रुव फ्लाइंग किस कर दो बेटा, आप करवाना इसे, कभी करता ही नहीं आजकल ये। ध्रुव देखो तो, ध्रुव आपके बाल का ध्रुव बाल कहाँ है, आपके बाल कहाँ है, बाल ध्रुव मम्मा को दो, लाओ आपको चीजी लाके देती हूँ, लाओ जल्दी दो चीजी लाके देती हूँ फिर। ओए कंगा ये इसमें नहीं मारते बाल, ये और लिप्स का है, फैन का है, फैन फैन फैन। ओ ध्रुव की नोजी का है, आइज का है, आइज वेरी गुड, नोजी का है, नोजी चलो नोजी और बता दो, नोजी ये ईयर, ये तो आईज आपकी नोजी, ये और लिप्स कहाँ हैं ध्रुव के, लिप्स कहाँ हैं, लिप्स लिप्स कहाँ हैं, लिप्स कहाँ हैं, चल ठीक है ध्रुव ऐसे कर दो, चल ठीक है बाय 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 कर दो, बाय ओके बाय टाटा।